the very interesting next chapter, that is microbes in human welfare. इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में स्टडी करेंगे. लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट एंड कम डायरेक्टली टू द टॉपिक. व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सिंपली दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय अ नेकेड आईज और वी यूज एन माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम. सच ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर वेरी टाइनी आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मोस्ट कॉमनली वी फोकस ऑन बैक्टीरिया. स्टिल इट इंक्लूड्स फंजाई, protozoas as well as viruses. Remember, viruses are not a true microorganism, a true living organism. They lie at the edge of living and non-living organism. Bacteria belongs to the category of Whittaker's five kingdom classification, that is kingdom Monera. Fungi ka apna apna ek kingdom hai, kingdom fungi. Or this protozoa belongs to protist. Aur ye jo viruses ka classification hai, this is being done by ICTV or ICNV, that is International Commission on Nomenclature of Viruses. Ab aate hain, why microorganisms are considered as ubiquitous? See, those organisms which can stay, live, survive at any habitat might be at uncomfortable conditions like 100 degrees Celsius, hydrothermal vents or acidic soil or alkaline soil or alkaline water, anywhere where life cannot exist, a true life cannot exist. Still, some organisms which are microorganisms, mostly bacteria and fungi, survive there. And because of this ability to survive on every habitat in the world, they are called as the ubiquitous organism. अब इनकी स्टडी करना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. पहले हमको आइसोलेट करने के लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम सप्लाई करना होता है. न्यूट्रिएंट मीडियम में जैसे पेप्टोन होता है, लैक्टोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और सर्टेन ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं. और हम उनको क्या करते हैं, एक सॉलिड सोल्यूशन बनाते हैं बॉइल करके, अगर मीडियम में उसको सॉलिडिफाई करने के लिए ग्रो करते हैं एक पेट्री प्लेट के ऊपर. तो ऐसी एक पेट्री प्लेट पे उनको ग्रो करते हैं एंड देन दे अपीयर एज कॉलोनीज. तो ये कॉलोनीज दिखाई दे रहे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दिखाई देने चाहिए. बेसिकली जब एक बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके डिवाइड होता है सेल डिवीजन करके कंटिन्यूअसली, तो उसकी रिपीटेड बाइनरी फ्यूजन की वजह से उनका नंबर बढ़ जाता है एंड देन दे अपीयर एज कॉलोनी देयर. सो दिस कॉलोनी इज नॉट अ सिंगल बैक्टीरियम, इट इज ऑलमोस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ वन बैक्टीरिया सेल डिवीजन सेवरल हंड्रेड टाइम्स. सो इट इज ऑलमोस्ट 100 to 1000 देयर. ओके, let us move. Why the, now we understood what is colony, what is nutrient medium, growth culture. Let us move to the topics theme. Microorganisms used in household activities. Okay. Now let us see curd, most delicious food in daily life. बनता किससे है? दरअसल कुछ bacterias हैं, उनका नाम है lactic acid bacterias. अब ये बनाते कैसे हैं curd? They partially digest and coagulate the milk protein, of course you know that is casein, जिसकी वजह से उसको curdly appearance आता है. Beside as a good healthy food, ये probiotics बोल के act होता है. Probiotics means these bacteria, lactic acid bacteria, comes in the stomach, fight in our gut with other organisms which are not beneficial or which are pathogenic. उनके साथ competition करते हैं और उनको out compete करके अपने health को बचाते हैं, इसलिए उनको probiotics कहा जाता है. इसके अलावा ये बैक्टीरिया उस कर्ड की न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी बढ़ाते हैं. जैसे मिल्क में उतना नहीं होगा जितना कर्ड में मिलेगा विटामिन B12. सो दे इंक्रीजेस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द फूड आल्सो. लेट अस कम टू द नेक्स्ट, दैट इज टॉडी. ये एक लीकर ड्रिंक है. ओके, और इसको फर्मेंटेशन से बनाया जाता है क्योंकि ये माइक्रोबियल हेल्प से बनता है. व्हाइट कलर का होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है क्योंकि अंदर शुगर होती है और बनने के लिए 24 घंटे का फर्मेंटेशन लगता है. इसमें होता है अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, शुगर होते हैं. एज इट इज एन अल्कोहलिक लीकर, इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6% ऑफ अल्कोहल. यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक से याद रखना, कर्ड के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, टॉडी के लिए सैकरोमाइसिस सर्विसी एंड जाइगोसैकरोमाइसिस सर्विसी. ओके, सैकरोमाइसिस सर्विसी एंड जाइगोसैकरोमाइसिस सर्विसी. नेक्स्ट चीज, ह्यूमन काइंड के एंशियंट टाइम से जो भी माइक्रोबियल फूड अवेलेबल है उसमें सबसे पहले चीज का नाम आता है और पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है वो स्विस चीज है, उसका अपीयरेंस और क्वालिटी की वजह से. उसे बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज किया जाता है, दैट इज प्रोपायनोबैक्टीरियम शेरमानी. ओके, प्रोपायनोबैक्टीरियम शेरमानी ये एक बैक्टीरिया है. और जो फिलहाल सबसे फेमस चीज है, दैट इज रॉकफोर्ट चीज, उसका अपीयरेंस, कलर, डफनेस की वजह से ये भी बहुत फेमस है. And that is being prepared using fungi, that is Penicillium roqueforti. Swiss cheese, Propionibacterium chermani. This roquefort cheese by
पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ये बैक्टीरिया है, ये फंजा है. सो इन केस ऑफ मास्टर पेज टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बीइंग आस्क्ड टू कंफ्यूज. योगर्ट कर्डलिंग ऑफ मिल्क से बनता है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस यूज किया जाता है. थर्मोफिलस मीन्स विच ग्रोज एट हाई टेम्परेचर. दैट्स वाई फॉर योगर्ट प्रिपरेशन द टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस एंड हिज दिस बैक्टीरियम इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, क्योंकि ये हीट लिविंग है. थर्मोफिलस मीन्स हीट लविंग. ओके, और इसमें टेस्ट आता है लैक्टिक एसिड एज वेल एज एसिटाल्डिहाइड का. लेट अस सी, बटर मिल्क इसको प्रोड्यूस करते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और ल्यूकोनोस्टर बैक्टीरियम से. यहाँ टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है. सोर क्रीम बनता है चर्निंग ऑफ मिल्क से. यहाँ पे बैक्टीरियम याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड ल्यूकोनोस्टर. सोर क्रीम के लिए मिल्क की चर्निंग करते हैं बाय यूजिंग बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस. और जो हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं डेली लाइफ में, इन द मॉर्निंग डोसा इडली, इनमें जो डफनेस आता है ये फर्मेंटेशन किया जाता है राइस और ब्लैक ग्राम को मिक्स करके, और 3-12 घंटे तक हम उसको टाइम रखते हैं इंक्यूबेशन के लिए. ड्यूरिंग दैट द फर्मेंटेशन इज बीइंग डन एंड दैट इज बीइंग डन हियर बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड ल्यूकोनोस्टर बैक्टीरियम. सो दीज फर्मेंटेड फूड आइटम्स यूज्ड बाय प्रिपेयरिंग फर्मेंटेशन बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड ल्यूकोनोस्टर. जो हम ब्रेड खाते हैं इन द मॉर्निंग और उसमें जो अपीयरेंस आता है डफनेस का, जो डफनेस है एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं दिस ईस्ट कॉल्ड बेकर्स ईस्ट. वंस अगेन दिस वन सैक्रोमाइसिस सर्विसी, और ये डफनेस बनता है किस लिए, क्योंकि ये बाय फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ दैट फूड. इन द सेम वे जो पिकल्स हम खाते हैं उसकी जो सेल्फ लाइफ वो बढ़ जाती है क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से, और ये फर्मेंटेशन और एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जनरली ल्यूकोनोस्टर एंड पेडियोकोकस. प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर द प्रोडक्ट विथ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म. इट इज अ मस्ट वॉच और मस्ट आस्क क्वेश्चन इन केस ऑफ एमसीक्यूज इन नीट एग्जामिनेशन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट अस सी द अदर पार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.